If you are new to the channel, please subscribe and press bell icon for all the notifications. A very good afternoon guys, this is Ashutosh and welcome to my YouTube channel The Biker AKM. तो आज है 11th of April and अभी समय हो रहा है 12:15. तो आपने लालबाग की वीडियो देखी है, लालबाग की वीडियो के बाद में आज आपसे मिल रहा हूँ. तो आज चलिए, आज का क्या प्लान है, कहाँ चलना है और किस प्लेस को एक्सप्लोर करना है, या मैं जस्ट एज ए कॉफी लंच डिनर के लिए मैं जाने वाला हूँ. तो चलिए देखते हैं आज का क्या प्लेस है. तो चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट कार में. चलिए, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड लोअर में इतनी धूप रहती है, गर्मी रहती है, बाइक से जाना सही नहीं लगा मुझे, क्योंकि लॉन्ग राइड्स पे आप हाईवे पे हवा चलती है, आप स्पीड चलाते हो तो हवा लगती रहती है, गर्मी नहीं होती, तो इसलिए मैं कार से जा रहा हूँ. एंड थोड़ी सी गर्मी है, अभी 2 बजने वाला है, तो मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक सिटी पहुंचने वाला हूँ. वहां से मुझे राइट साइड नाइस रोड लेना है मुझे. इलेक्ट्रॉनिक सिटी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बारे में थोड़ी कहानी है बहुत, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऐसा प्लेस है जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, आईटी जॉब एंड जो भी. इलेक्ट्रॉनिक सिटी दो पार्ट में, लेफ्ट में अगर आप होसूर की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट में आप फेज 1 पड़ता है एंड राइट में फेज 2. मैं फेज 1 में रहता था, फेज 2 में भी मेरा ऑफिस था, तो फेज 1 टू फेज 2 बहुत मैं पैदल चला हूं, ऑलमोस्ट डेली 6 किलोमीटर पैदल वॉक. तो एक दर्द भरी कहानी है, उसके बारे में कभी बात करेंगे. उसके अलावा फेज 2 में बहुत सी आईटी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज में जैसे TCS है, इंफोसिस है जो कि सबसे बड़ी कंपनी, विप्रो है, देन उसके बाद CGI में काम करता था, एंड SCLP है. एंड वही फेज 1 में ज्यादा कंपनीज नहीं है, थोड़े से रेजिडेंशियल PG ये सब ज्यादा है, कंपनीज कम है, PG और रेजिडेंशियल एरिया ज्यादा है. तो फेज 1 में एक TCS है बड़ी कंपनी में, एंड टेक महिंद्रा का ऑफिस है, उसके अलावा सीमेंस का भी ऑफिस है. फेज 2 में भी सीमेंस, ये सब कंपनीज हो गई. एंड फेज 1 फेज 2 की बात हो गई, जो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में क्रॉस करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बारे में बता देते हैं. तो आगे टॉल है, आगे पहले टॉल देते हैं फिर आपसे बात करते हैं. अब आते हैं टॉपिक पे कि आज की राइड, आज की ड्राइव मैं कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ. थोड़ा सा सुकून की तलाश कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है एंड 2 बज रहे हैं. थोड़ा सा जल्दी कर दिया मैंने, थोड़ा सा मुझे देर में निकलना चाहिए था, बट थोड़ा सा जल्दी किया, कोई बात नहीं, आधे घंटे में पहुंचेंगे, थोड़ा बैठेंगे वहाँ पे, कैफे या रेस्टोरेंट होगा तो थोड़ा सा छाया हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या करना है. तो हम लोग जा रहे हैं आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर. आर्ट ऑफ लिविंग आप लोग को पता ही होगा, पूरे इंडिया में तो है ही, पूरे वर्ल्ड फेमस है. जो भी आपको ज्यादा स्ट्रेस हो, जनरली लोग कहते हैं स्ट्रेस हो, आप लोग का योगा मेडिटेशन ये सब चीजें के लिए वो फेमस है. काफी लोगों को लाइफ बहुत आसान हुई है, बहुत अच्छी हुई है. सुदर्शन क्रिया जो बहुत फेमस है का इंटरनेशनल सेंटर है, तो काफी अच्छा है, बहुत साफ सुथरा तमाम, उसमें एम्फीथिएटर हॉल्स एंड बहुत कुछ है देखने के लिए. रात में और अच्छा लगता है, बट 2 बज रहे हैं कि ट्राई करेंगे 6 बजे तक, एटलीस्ट जब तक थोड़ा अंधेरा हो जाए, लाइट जल जाए तब तक वहां पे रुके. तो ये आगे बड़ा सा बोर्ड आप बैनर देख रहे हो, श्री श्री रविशंकर जी का, तो वो यही गेट है, अंदर एंटर करते हैं. कैमरे का थोड़ा एक्सपोजर गड़बड़ हो गया इसलिए ऐसा आ रहा है. जस्ट विजिट 20 आशुतोष. ओके, धूप तो है बट आश्रम हरा भरा है, तो मे बी प्रॉब्लम ना हो हम लोगों को ज्यादा. कार पार्किंग एकदम चिलचिलाती धूप में है, डर लग रहा है मुझे जाने में कार को लेकर, क्योंकि मेरी कार दिन भर धूप में जलेगी, उसकी स्किन टैन हो जाएगी. कोई तो पेड़ लगा देना चाहिए था ना पार्किंग में. यही पार्किंग थी, इधर लगा दी. एक्चुअली दोपहर होने की वजह से काफ़ी यहाँ पे शांति है, तो यहाँ पे रात में इवेंट्स होते हैं शाम को, तो गलत टाइम पे आए हैं, कोई नहीं फिर दोबारा आएंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे शॉप्स भी हैं, क्योंकि ये पूरे इंटरनेशनल सेंटर में बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है. यहाँ पे जैसे पासपोर्ट, टूर, फ्लाइट, ट्रेन सब कुछ है. Thank you.
तो गाइस मैं हूँ कैफे विशाला के पीछे। फिर अभी जाके तो सूरज डूबा है एंड 6 बज रहे हैं, तो अभी जाके मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है। सो कैफे विशाला के पीछे ये भी जगह है बैठने की, तो यहाँ पर बैठ के चाय समोसा खा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, लाइट्स जल जाएंगी, तो शायद आपको लाइट्स के भी शॉट्स ले लूँगा मैं। एंड उसके बाद प्लान था कि बाहर जाके कुछ खाएंगे पियेंगे, बट बाहर एक ग्रैंड पराठा करके रेस्टोरेंट था, वहाँ खाएंगे। बट आई थिंक ये अगर हम रात का वेट करेंगे तो यहाँ पे 6:37 हो जाएगा। तो उसके बाद सिंस ये सिटी से थोड़ा 25 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, एंड इवन नाइस रोड थोड़ा सा राइट, उसमें कनेक्टिविटी तो अच्छी है, बट उसके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं है लेफ्ट राइट में, तो जितना जल्दी लौटे उतना सही रहेगा। फिर कभी आएंगे, बट आज ट्राई करेंगे, जब 6:05 तक रुक ही गए तो अंधेरा होने तक रुक जाएंगे, एंड प्रॉपरली अच्छे से नाइट में जो शॉट्स होते हैं कुछ लेके लौटेंगे। तो मैं ब्रेकफास्ट ये स्नैक्स खाता हूँ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो चलो यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर, ये एम्फी थिएटर है। टाइम हो रहा है 6:45। दिस वॉज ऑल अबाउट हार्ट ऑफ लर्निंग इंटरनेशनल सेंटर, एंड अब निकल रहे हैं वापस, चलते हैं पार्किंग की तरफ, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 7:10, तो अब टाइम नहीं है रुकने का। उधर कहीं डांस क्लासेस भी चल रही हैं ऐसा लग रहा है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तमाम कोर्सेज होते हैं यहाँ से, ऐसा दिखता है। चलो भाई गेट भी आधा बंद हो चुका है और लेट हो रहा है, तो अब निकलते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था, बट वही है थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी आ गए थे, तो जल्दी आने की वजह से थोड़ी गर्मी भी लगी एंड टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ हमारा। तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी एक काम करते हो, कैमरे को स्विच करता हूँ। ओह चल चल के थक गया, चलते हैं फटाफट फटाफट। सो गाइस चलते हैं फटाफट घर, काफ़ी देर हो गई है, पीछे कोई गाड़ी नहीं है, एंड लेट्स गो।
तो मैंने ये लाइट जला रखी है ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। तो ये फाइनली 7:25 हो रहा है एंड हम लोग जल्दी जल्दी मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस प्लेस पे आने के लिए शाम के 5 बजे आप लोग आओ, क्योंकि लाइट सारी जल चुकी रहेंगी और आप अच्छे फोटोज एंड वीडियोज ले सकते हो। अगर आपको पूरा आश्रम घूमना है तो आप 3 बजे आओ, इसमें शटल चलती है, आप आराम से घूम सकते हो। आपको तमाम जो प्लेसेज हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज हैं उन पर आपको ले आके छोड़ देगी और वॉक नहीं करना पड़ेगा। बट मेरा टारगेट था कि कुछ अच्छे व्यूज आप लोग के लिए फोटो वीडियोस लेना, तो इसलिए मैं आ तो गया यहाँ पे 2:40 तक एंड फिर 1 घंटा हम लोग बैठे रहे, इससे लगभग 1 से 1.5 घंटे बैठे। सोचो आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर दिया, थोड़ा तो सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग वेट किया कि रात हो जाए, फिर चाय नाश्ता किया एंड फिर आप लोग के लिए शॉर्ट्स ये रात में लिए। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस ट्रिप एंड अब मैं नाइस रोड पे आपसे ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा बिकॉज नाइस रोड पे गाड़ियां काफी स्पीड में चलती हैं, तो बातें करते करते नहीं ड्राइव कर सकता। तो आपको यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में आप देना एंड कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए डिस्क्रिप्शन में देखना, अगर फिर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। टिल देन मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय। एंड हाँ, राइड की प्लान चल रही है लॉन्ग राइड के लिए, तो चैनल पे बने रहें। टिल देन टाटा बाय बाय।